अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम रुखसाना अमीन, टीचर UPS आरमपोरा। टुडे आई एम गोइंग टू टीच क्लास 8 ए शॉर्ट स्टोरी, रुस्तम एंड सुहराब। रुस्तम एंड सुहराब इज़ ए ट्रेजिक स्टोरी फ्रॉम पर्शिया। रुस्तम इज़ ए पर्शियन हीरो एंड वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ किंग कायकूस। सुहराब इज़ द सन ऑफ रुस्तम एंड तनीमा। Rustum and Sohrab never meet in their lifetime until on the battlefield, as no one else dares to fight Rustum. Sohrab is sent to fight with the legendary Persian hero, though Sohrab knows that he is Rustum's son. Tragically, Rustum doesn't know this fact, who stabs Sohrab to death. इस लेसन में ये एक शॉर्ट स्टोरी है रुस्तम और सुहराब की। रुस्तम जो है वो पर्शिया का जो है, जिसको हम आज कहते हैं ईरान, वहाँ का एक बहुत बड़ा मतलब बहादुर सिपाही होता है, जो मतलब किंग जो है वहाँ पे किंग कायकूस उसका फेवरेट होता है। और सुहराब जो है वो रुस्तम और तनीमा जो है उसका उनका बेटा होता है। तो रुस्तम ये सुहराब को ये मतलब सुहराब को ये पता चलता है कि रुस्तम मेरा बाप है, लेकिन रुस्तम जो है उसको ये पता नहीं होता है कि ये जो सुहराब है वो मेरा बेटा है। तो वो वहाँ पे उसको मतलब जब पता नहीं, तो रुस्तम की वजह मतलब रुस्तम अपने बेटे को बेटे की डेथ मतलब मार डालता है उसको इस कहानी में। तो जब हम ये पूरा लेसन पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि इसमें क्या होता है, क्यों मतलब सुहराब की डेथ होती है, कैसे सुहराब जो है वो मर जाता है। तो हम अब स्टार्ट करेंगे, लाइन बाय लाइन हम पढ़ेंगे ये सारा लेसन। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन पर्शिया नाउ ईरान ए ग्रेट सोल्जर कॉल्ड रुस्तम। ही वॉज सो ब्रेव एंड फियरलेस and he had so often saved his country from foreign invasion that he was called the shield of Persia. The enemies who tried to invade the country fled in fear when they heard his war cry, Rustum. तो बहुत पहले की बात है, मतलब पर्शिया में जिसको आज हम ईरान कहते हैं, वहाँ पे एक बहुत बहादुर सोल्जर था, एक बहादुर सिपाही था जिसका नाम था रुस्तम। वो क्या था, वो बहुत ही निडर था और बहुत ही बहादुर था। वो मतलब अपनी कंट्री को बचाता था, जो भी उस पर मतलब हमले करते थे तो उनसे अपनी कंट्री को वो बचाता था। उसको कहते थे द शील्ड ऑफ पर्शिया। जैसे शील्ड जो है वो एक हथियार होता है जो हम सोल्जर्स यूज़ करते हैं, ढाल जिसको हम कहते हैं, वो सोल्जर्स यूज़ करते हैं जब जंग वो करते हैं अपने आप को बचाने के लिए। तो इसी तरह से रुस्तम को भी कहते थे शील्ड ऑफ पर्शिया। तो जो एनिमीज़ होते थे वो डर जाते थे जब भी वो रुस्तम की चिल्लाने की आवाज़ सुनते थे मैदान में, तो वो डर जाते थे। पर्शिया इज़ सेफ एज लॉन्ग एज रुस्तम लीड्स अवर सोल्जर्स, सैड कायकूस द किंग ऑफ पर्शिया। तो जो ये वहाँ का बादशाह था कायकूस, वो कहता था जो ये पर्शिया है ये तब तक सेफ है जब तक हमारे साथ रुस्तम है। नो एनिमी डेयर थ्रेटन अस, इफ़ एनी डज ही शैल सफर ए क्रशिंग डिफीट। हमें मतलब कोई नहीं हरा सकता, अगर कोई ऐसा सोचेगा तो वो हार जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको रुस्तम जो है उस पर बहुत भरोसा था और वो बहुत ही बहादुर था। अनलेस रुस्तम इज किल्ड अवर आर्मीज कैन नेवर होप टू सी विक्ट्री, द एनिमीज ऑफ पर्शिया यूज्ड टू से। वो कहते थे जो उसके बाकी जो उसके दुश्मन थे उस पर्शिया के, तो वो कहते थे कि हमें तब तक मतलब हम जीत नहीं सकते, हमें जीत हासिल नहीं होगी जब तक कि रुस्तम जिंदा है। वंस इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स रुस्तम मेट ए तार्तर प्रिंसेस कॉल्ड तनीमा, दे फेल इन लव विथ ईच अदर एंड मैरिड। एक क्या हुआ कि जब वो मतलब सफ़र पे जाते, वहाँ पे उसने क्या देखा था, एक प्रिंसेस से वो मिला, तार्तर की एक प्रिंसेस थी जिसका नाम था तनीमा। तो उसने उसको देखा, उसको उसके साथ प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। हाउ एवर रुस्तम वॉज नॉट एबल टू लिव विथ हिज वाइफ फॉर ए लॉन्ग टाइम, द किंग ऑफ पर्शिया सून सेंट फॉर हिम बिकॉज ही डिड नॉट फील सेफ अनलेस रुस्तम वॉज इन हिज किंगडम टू प्रोटेक्ट एंड डिफेंड इट। सो रुस्तम हैड टू गो अवे फ्रॉम हिज वाइफ हु वॉज देन इन द फैमिली वे।
इट वॉज विथ ग्रेट सोरो दैट ही पार्टेड फ्रॉम हर बिकॉज इट माइट बी मैनी ईयर्स बिफोर ही सॉ हर अगेन. एट द पार्टिंग ही गेव हर ए प्रेशियस स्टोन एंड सेड, When you become a mother, tie this stone on the child's arm and keep our marriage a secret. तो फिर जब उन्होंने मतलब शादी की तनीमा के साथ, तो वहाँ पे जो बादशाह था पर्शियन का, बादशाह पर्शिया का जो बादशाह था, उसने क्या कहा कि रुस्तम अपनी बीवी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाए, क्योंकि जो बादशाह था पर्शिया का, वो उसने सोचा कि हम तब तक सेफ नहीं हैं जब तक जो रुस्तम है हमारे इसमें नहीं होगा, हमारे किंगडम में नहीं होगा, क्योंकि उनको लगता था कि रुस्तम ही एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा सोल्जर है जो हमें प्रोटेक्ट कर सकता है, हमें डिफेंड कर सकता है. तो उसने क्या किया, उसने रुस्तम को वापस बुलाया और रुस्तम जो है वो मतलब अपनी बीवी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाया. और रुस्तम को ये भी पता था कि मैं अब अपनी बीवी के साथ बहुत देर मतलब सालों तक नहीं मिल पाऊँगा. तो उसने क्या किया, मतलब उसको बहुत दुख हुआ जब वो अपनी बीवी से दूर गया, और उसने क्या किया, उसने एक प्रेशियस स्टोन दी अपनी उस तनीमा को और कहा, जब वो मतलब रुस्तम वापस पर्शिया के लिए गया, तो उस टाइम उसकी जो बीवी थी, तनीमा थी, वो प्रेग्नेंट थी. तो उसने एक स्टोन दिया उसको और कहा कि ये हमारे बच्चे, जब हमारा बच्चा पैदा होगा, इस दुनिया में आएगा, तो आप इसको ये उसके बाजू पे ये बांध देना, ये प्रेशियस स्टोन, और हमारी शादी जो है उसको एक सीक्रेट रखना. इन ड्यू कोर्स अ सन वॉज बॉर्न टू तनीमा. तनीमा न्यू दैट व्हेन द बॉय ग्रेव अप, रुस्तम वुड बी ईगर टू हैव हिम फॉलो इन हिज फुटस्टेप्स. तो क्या हुआ, जब थोड़ा सा टाइम गुजर गया, जब मतलब तो एक तनीमा को बेटा पैदा हुआ. तनीमा लेकिन ये जानती थी कि अगर मैं रुस्तम को ये बोलूँगी कि हमें बेटा पैदा हुआ है, तो उस वो मतलब यही कोशिश करेगा कि जो उसका बेटा है वो भी उसके जैसे बहादुर सिपाही बने, वो जैसे वो मतलब कौम की खिदमत करता था, वैसे ही मेरा बेटा भी बहादुर सिपाही बने. तो अनलेस शी हिड फ्रॉम रुस्तम दैट द फैक्ट दैट दियर चाइल्ड वॉज अ बॉय, ही वुड सर्टनली टेक अवे द चाइल्ड, शी वुड देन लूज हर सन एज शी हैड लॉस्ट हर हस्बैंड. सो तनीमा सेंट वर्ड टू रुस्तम दैट दियर चाइल्ड वॉज अ डॉटर. तो वो जानती थी, उसको ये उसने छुपाया किससे, रुस्तम से. उसने ये कहा कि वो डर गई, उसने बोला अगर मैं उसको ये बोलूँगी कि मेरा हमें बेटा पैदा हो, तो वो उसको भी लेके जाएगा अपने साथ, जैसे मैंने अपने हस्बैंड को खो दिया, मतलब वो मुझसे दूर हुआ, इस तरह से मेरा बेटा भी मुझसे दूर होगा. तो उसने क्या किया, उसने अपने उसको मैसेज भेजी कि हमें बेटी पैदा हुई है. तनीमा नेम्ड हर सन सोहराब विच मीन्स चाइल्ड ऑफ मैनी स्माइल्स. सोहराब ग्रिव अप इन टू ए ब्रेव एंड हैंडसम बॉय. तो उसने अपनी बेटी का नाम सोहराब रखा, जिसका मतलब होता है कि जिसके बच्चा जिसके चेहरे पे बहुत सारी खुशी हो. तो सोहराब बड़ा हो गया और वो भी एक ब्रेव और बहादुर एक खूबसूरत बच्चा बना. ही लर्न टू यूज़ दिस वर्ड एंड शील्ड एंड बिकेम स्किल्ड इन द आर्ट्स ऑफ वार. तो उसने भी यही सीखा, उसने उसको भी तो तलवारबाजी उसने सीखी, उसने सीखा कि कैसे मतलब तलवारबाजी करते, कैसे उससे फिर जब कोई जंग होता है कैसे वहाँ से अपने आप को बचा सकते. तो उसने यही सीखा. फॉर माइल्स अराउंड देयर वॉज नो वन हु कुड कम्पीट विथ हिम इन फीट्स ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप. वहाँ पे बहुत मतलब माइल्स तक कोई ऐसा बंदा नहीं था जो सोहराब को स्वॉर्ड्समैन तलवारबाजी में हरा सकता था. तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे पढ़ेंगे. थैंक यू.